हेलो लिटरेसी एजुकेशन फॉर टीचर्स महाराज इसे भी कर लो खोल के रख लो चलती रहेगी खाना खाते रहेंगे हाँ सुजीत सर मुझे सुन पा रहे हो तो वरी जी को म्यूट कर दीजिए सर और ये सेशन जो है आप सभी का इसमें स्वागत है। सेशन बस एक मिनट में शुरू हो जाएगा तो मैं सेशन को शुरू करता हूँ। जी सर सुन रहा हूँ। सुजीत सर सुन पा रहे हैं? हाँ सर मैं सुन रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ हाँ मुझे सुन पा रहा हूँ सर। ठीक है सर शुरू करते हैं फिर। आप ठीक है सर आएगा ना इसमें इको आएगा। नमस्कार साथियों, मैं वरेश कुमार सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय रतनपुरवा महाराजगंज से और साथ ही कन्वेनर हूं मैं इस वेबिनार का। कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ी सी इस वेबिनार के बारे में बता दूं, उसके बाद हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो है वो इस वेबिनार की भूमिका इस तरह से बनी कि चूंकि पूरा शिक्षक समाज और बच्चे जो है आजकल डिजिटलाइज हो जा रहे हैं तो हमारे ये पाया गया प्रशिक्षण के दौरान जब ऑनलाइन प्रशिक्षण हो रहे थे तो काफ़ी शिक्षक जो है वो जूम या मीट चलाने के भी अपने को हेजिटेट कर रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे चलाना है। तो हमारे SRG साथियों के साथ हम लोग ने एक बैठक की तो बैठक के दौरान इसकी रूपरेखा बनी कि हम महाराजगंज के शिक्षक साथियों के साथ मिलकर इसको डिजिटलाइजेशन के ऊपर एक छोटी सी प्रशिक्षण करके लोगों को समझाने की कोशिश करें। लेकिन जब इसकी रूपरेखा बनते बनते धीरे धीरे ये जो है जनपद स्तर से इस समय राज्य स्तर तक पहुँच गई है और वर्तमान में करीब करीब 1200 लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमारे पास हो चुके हैं जिसमें अभी भी कुछ रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, जिसमें महाराजगंज के बाहर भी बहुत सारे जिलों के अलीगढ़ कानपुर हाथरस मिर्जापुर के साथी जुड़े ही हैं। साथ में बहुत सारे हमारे शिक्षक साथियों ने मध्य प्रदेश से भी जुड़ने की ख्वाहिश की तो कुछ साथी जो है हमारे मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि करीब ये राज्य स्तर का एक सेमिनार या वेबिनार हम लोग कर रहे हैं। मुख्य रूप से ये 21 से 23 तीन दिन ये वेबिनार चलेंगे साथियों। 1 बजे से 2:30 बजे तक 1.5 घंटे का एक वेबिनार होगा जिसमें अलग अलग विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे अंतिम दिवस पर क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे एडिशनल डायरेक्टर जो है ISC की प्रयागराज की श्रीमती ललिता प्रदीप जी भी जुड़ेंगी, उनका भी हमें आशीष वचन मिलेगा। और हमारे जो है BSA साहब ओम प्रकाश यादव जी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं लेकिन आज किन्हीं कारणों से वो व्यस्तता के कारण जो है कोर्ट केस में जाना पड़ गया उनको, तो उन्होंने अपनी शुभकामनाएं हमें दी हैं। साथियों हम जब ये कार्यक्रम करेंगे तो आप कृपया करके सभी से जुड़े रहें क्योंकि तीनों दिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत ही आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा और तीनों दिन जो है लाइव हम लोग जो है आपके यूट्यूब चैनल पर और जूम पर हम एक फीडबैक लिंक भेजेंगे। फीडबैक लिंक अलग से नहीं जाएगा, आपके जूम पर जो साथी जुड़े हुए हैं या जो भी हमारे साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं यूट्यूब के बीच में
कभी भी हम एक फीडबैक लिंक भी भेजेंगे, उस फीडबैक लिंक को भरना अनिवार्य होगा। तीनों दिन जब आप उसको भरेंगे और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा उन्हें ही हम सर्टिफिकेट दे पाएंगे। तो इसलिए अगर जिन साथियों को नहीं भर पाएंगे तो हमारी तरफ से उन्हें खेद है कि हम उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। साथियों, हम कार्यक्रम की शुरुआत करें तो मैं बता दूं कि हमारे तीनों दिन अलग अलग हमारे यहाँ पर SRG टीम, हमारे जो है डाइट के मेंटर्स, हमारे सब लोग जुड़ेंगे और समय समय पर आपको देंगे। लेकिन मुख्य हमारे जो प्रशिक्षक हैं या एक्सपर्ट्स हैं वो श्री संजीव शर्मा जी हैं, जो अलीगढ़ से हैं और बहुत ही ख्याति प्राप्त इस समय प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा ICT एक्सपर्ट स्टेट लेवल के हमारे सदाक ए हसन जी जो अयोध्या से हैं वो जुड़ेंगे कल आपको, और बहुत सारे ऐप्स के बारे में आपके पास बताएंगे। हमारे प्रेम वर्मा जो श्रावस्ती से हैं वो जुड़ेंगे, उन्होंने मिशन अभ्युदय के नाम से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू कर रखा है और अपनी बातों को वो रखेंगे। तो ये हमारे तीन प्रवक्ता वक्ता जो है वो तीनों दिन अलग अलग विषयों के साथ आपको जुड़ेंगे। आज हम लोग मुख्य रूप से तीन विषयों पर बात करेंगे। एक तो ICT के क्या है या डिजिटल लिटरेसी क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और ICT का यूज एंड इंटीग्रेशन इन लर्निंग एंड टीचिंग पर हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, वो आपको बताएंगे, और किस तरह से बच्चों के बीच LSRW स्किल्स को ICT टूल्स के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, इस पर हमारे संजीव शर्मा जी विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। तो कार्यक्रम की मैं शुरुआत करूं तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच हमारे आज के अतिथिगण श्री अखिलेश वर्मा जी हैं, तो मैं चाहूंगा कि रामजी सर से कि अखिलेश जी को आमंत्रित करें और उनका आशीष वचन हम लोग लेंगे। श्री अखिलेश जी नमस्कार सभी लोगों को, धन्यवाद वरेश जी, आपने जो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय जो इस समय सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा प्रासंगिक विषय है डिजिटल लिटरेसी को लेकर के जो नवाचार आपने लाया है इसके लिए आप धन्यवाद के काबिल हैं। और साथियों मैं बता दूँ यह ज़रूरत जो डिजिटल लिटरेसी की है जो आन पड़ी है इस समय, हालांकि यह डिजिटल हम धीरे धीरे होते ही आ रहे थे, यह क्रम चल रहा था, लेकिन एक बारगी यह आवश्यकता अनिवार्यता में बदल गई। यह बहुत जरूरी हो गया है, जिस तरह से किसी शिक्षक के लिए आने वाले दिनों में यह योग्यता होती होगी कि वह डिजिटल रूप से उसके अंदर इतनी साक्षरता हो कि वह चीज़ों का इस्तेमाल कर पाए, उन प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल कर पाए जिसके थ्रू वह शिक्षण प्रशिक्षण और सारी चीज कर पाए। जैसे कि इतनी योग्यता होती है कि एक शिक्षक में कि वह गणित पढ़ा सकता है, कितना मैथ पढ़ा सकता है, हिंदी और विज्ञान और सारी चीजों की जो एक समान नॉलेज एक शिक्षक को होती है, वह तो शिक्षक के लिए अनिवार्य तो था ही, आवश्यक तो था ही, लेकिन आने वाले दिनों में साथियों डिजिटल लिटरेसी बहुत ही जरूरी और अनिवार्य होने वाला है, इसलिए इससे हम नहीं बच सकते। तो यह पहल जो की जा रही है बहुत ही शानदार पहल है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। जो उसके विषय हैं अलग अलग जो टॉपिक है जैसा परेश जी ने बताया, उसके विशेषज्ञ हमें आप सबके बीच में अपनी बात रखेंगे और बताएंगे। मैं जो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि डिजिटली इस प्लेटफॉर्म को चीजों को सही ढंग से समझने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, क्या तरकीबें अपनानी होगी कि हमें मोबाइल से कम प्ले स्टोर से वो ऐप इंस्टॉल करने आए, उसको चलाने आए, कोई प्रशिक्षण से कोई लिंक आता है तो उसे कैसे हम चला पाए। इतनी लिटरेसी बहुत जरूरी है आज के समय में। तो यह जो पहल है जो की जा रही है आप सबके लिए, डायट और बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज की तरफ के संयुक्त तत्वाधान में जो बरेश जी और डाट महाराजगंज की SRG टीम ने मिलकर ये जो कदम उठाया है बहुत ही काबिले तारीफ है। तो जो ये तीन दिनों का जो पूरा सिलेबस है, आप बड़ी तन्मयता से आप लोग जुड़े रहेंगे और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, यह मुझे पूरी उम्मीद है, और हम सीखेंगे भी और समझेंगे भी। और जो जिस चीज पर मैं जोर देना चाहता हूँ, और इसलिए कि यह जो डिजिटल लिटरेसी है जो जरूरत क्यों आप पड़ी इस समय,
आपने देखा कि एक बैग जो कोरोना काल के पहले और बाद में केवल सूचनाओं के आदान प्रदान के स्वरूप में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि हम सोचे नहीं थे कि सब कुछ इतने जल्दी कुछ बदल जाएगा। बदलने को बहुत कुछ बदला, मार्केट और बाजार का स्वरूप बदला, चीजों के खरीदने और बेचने का स्वरूप बदला। यहाँ तक कि आपने देखा कि जो सिनेमा घर फिल्मों की और फिल्मों जगत की दुनिया थी, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को बदला, लोगों तक अपने कंटेंट को पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। तमाम नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को बदलकर अपने बाजार को बंद नहीं किया, जारी रखा। तो दोस्तों, ये जरूरत है एक शिक्षक होने के नाते हम सभी को, जबकि हमारे जो भौतिक रूप से उपस्थित होकर हम जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया करते थे वह जब नहीं हो पा रहा है तो डिजिटली उपस्थित होना होगा। उसी तरह से जैसे और चीजें और दूसरे जगत के लोग, चाहे वो व्यवसायिक जगत हो चाहे सिनेमा जगत हो, लोग अपने कंटेंट को लोगों तक या अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिन भी माध्यमों से, प्लेटफॉर्म बदल के, उसी तरह से हमें अपने प्रोडक्ट अपने कंटेंट को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से बच्चों तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयास करने होंगे, कितना हमें इस बारे में लिटरेट होना होगा, यह बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए यह जो विषय उठाया गया है, मुझे लगता है आज के समय में इसकी जरूरत ही नहीं, अनिवार्यता है। इसलिए 3 दिन आप सभी लोग बहुत ही तन्मयता से इस सत्र को देखेंगे। बाकी मैं होस्ट को ओवर करता हूं। बरेश जी, ओवर टू यू। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका आशीष वचन प्राप्त हुआ। निश्चित ही हमारा वेबिनार एक अच्छी गति से चलेगा और लोगों के लिए काफी रुचिकर होगा। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से हमारे बीएसए साहब ओम प्रकाश यादव जी का आशीष हमें मिला हुआ है। डाइट के प्रचार श्री रविंदर सिंह जी का आशीष हमें मिला हुआ है। निश्चित ही हम लोग इस वेबिनार को अच्छी गति पर ले जाएंगे। आइए मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आप लोग के सामने रखता हूँ कि आईसीटी क्या है, इसको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। जी साथियों, पीपीटी आप लोगों को शो हो रही है? जी साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दौर में कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो कम्युनिकेशन है वो किस गति से आगे बढ़ रहा है, ये आपके सामने एक पीपीटी के माध्यम से मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से मौखिक कम्युनिकेशन से होते हुए दवात और मोर पंखी के माध्यम से लिखते हुए फिर छपाई की तरफ डिजिटाइजेशन होने धीरे धीरे जो है वो प्रिंट मीडिया की तरफ बढ़े, और फिर एक चोगा वाला जिसको फ़ोन कहते हैं वहाँ से होते हुए रेडियो और टेलीविज़न से होते हुए आज हम स्मार्टफोन की तरफ बढ़ चुके हैं। तो कितनी तेजी से ये कम्युनिकेशन जो हम शिक्षक रोजाना हम बच्चों के साथ करते हैं, हम आपस में करते हैं, विभागीय काम करते हैं, ये सारा का सारा कम्युनिकेशन आज हम स्मार्टफोन की तरफ तब्दील हो चुका है, और इसकी जानकारी होना या इसके बारे में पता होना हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप लोग के सामने एक छोटी सी फिल्म जो है वो लगभग एक मिनट की होगी, आप देखें इसे, और मैं चाहूँगा कि चैट बॉक्स में और आपके यूट्यूब लिंक पर आप उसमें क्या देख रहे हैं कुछ प्रतिक्रिया जरूर आप लिखें ताकि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो एक छोटी सी फिल्म हम एक मिनट की करीब देखेंगे और आप उसमें बड़े ध्यान से देखेंगे उसको कि आप उसमें क्या देख रहे हैं। आवाज है ना सर?
चलेगा, वीडियो नहीं चल रहा है, वरेजी कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको? हाँ सर, वो नेट वो वीडियो नहीं चल रहा है सर, इसमें लीजिए वो वीडियो, वीडियो नहीं चल रहा, आगे बढ़िए सर, वीडियो बाद में देखा दिया जाएगा, लास्ट में वीडियो प्ले नहीं हो रहा आपका। इस जो वीडियो है भी मैं इसको फिर थोड़ा देखता हूँ कि क्या है सर। इसमें मुख्य रूप से ये दिखाने की कोशिश किया है कि करीब 2011 में एक यूट्यूब वीडियो जो है वो हाईलाइट हुआ था और काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया था, इसको देखा था। इसमें एक साल की लड़की ने को दिखाया गया है कि किस तरह से वो स्विप आईपैड पर जो है वो अपने फिंगर्स को टच स्क्रीन पर स्वीप कर रही है और सफल कर रही है आइकॉन्स को। कुछ कनेक्टिविटी को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है साथियों, आप लोग थोड़ा सा धैर्य जरूर बनाए रखेंगे और जल्दी ये समस्या का हम निदान कर लेंगे। मुझे लगता है कि वरेजी का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम एक मिनट वेट करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम आगे बढ़ेंगे। संजीव जी जुड़े हो तो प्लीज, संजीव जी आप जुड़े हो तो मुझे मैसेज कर दे सर। संजीव सर क्या आप जुड़े हैं? मैसेज कर दीजिए सर, अगर संजीव सर अगर जुड़े हो तो मैसेज कर दीजिए। हाँ हाँ कंटिन्यू करना है ना। जी तो साथियों, मैं उसमें बता रहा था कि जो यूट्यूब लिंक शेयर हुआ था उसमें एक साल की बच्ची को एक स्वीप करते हुए दिखाया गया है कि आईपैड पर किस तरह से वो आइकॉन्स को शफल कर रही है और उसके बाद वो लड़की बच्ची जो है वो एक दूसरे टाइम में एक पेपर मैगजीन को खोलती है और उस पर भी स्वाइप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पाती है कि कुछ भी उसमें तब्दीली नहीं हो रही है जब वो मैगजीन पर कुछ अपने फिंगर्स को घुमा रही है। तो जो ये जनरेशन है, जो नया जनरेशन जो इस समय हमारे पास है, वो कह रहा है कि ये मैगजीन इज एन आईपैड दैट डज नॉट वर्क। वो मैगजीन को भी एक आईपैड की तरफ से देख रहा है, बच्ची देखती है कि वो तो काम ही नहीं कर रहा है वो मैगजीन, और वो उस मैगजीन को यूजलेस इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड के रूप में वो देख रही है क्योंकि वो डिजिटल नेटिव हो गई है। दीज डिजिटल नेटिव्स आर द किड्स टीन एंड यूथ यू हैव बीन इंटरेक्टिंग विद डिजिटल टेक्नोलॉजीज फ्रॉम ए वेरी अर्ली एज। तो आपने ये देखा होगा और आपने ये अनुभव भी किया होगा।
तो ये जो जनरेशन चेंज हो रही है सर, इसमें हम लोग तीन चीजें देख रहे हैं। एक तो टुडेज स्टूडेंट्स सी देमसेल्फ एज डिजिटल नेटिव्स, द फर्स्ट जनरेशन टू ग्रो अप सराउंडेड बाय टेक्नोलॉजी लाइक स्मार्टफोन टैबलेट एंड ई रीडर्स। तो एक तरफ तो बच्चे डिजिटलाइज हो रहे हैं और स्मार्टफोन टैबलेट्स और ई रीडर्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम शिक्षक हैं, उनके अभिभावक हैं, पॉलिसी मेकर हैं, ये भी इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि निश्चित रूप से आज के दौर में और ये कोरोना के काल में हम देखें तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है एजुकेशन का कहीं ना कहीं स्मार्टफोन और टैबलेट की तरफ जाने जा रहा है। तो इसके इन्फ्लुएंस को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और पॉलिसी मेकर इस पर काफ़ी काम भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि देर इज़ मोर इन्वेस्टमेंट फॉर क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम एंड ई रिसोर्सेज इन द इंस्टीट्यूशंस। अब साथियों, मैं इसको बताने के पीछे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी विल नॉट रिप्लेस ग्रेट टीचर्स, बट द टेक्नोलॉजी इन द हैंड्स ऑफ ग्रेट टीचर्स कैन बी ट्रांसफॉर्मेशनल। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजी ले लेगा, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से अगर अच्छे शिक्षक हैं और अच्छी जानकारी है टेक्नोलॉजी की तो निश्चित रूप से एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं बच्चों के नॉलेज में। अब साथियों, अक्सर हम लोग जब बात करते हैं आईसीटी, तो क्या हम क्या समझते हैं या आईसीटी क्या है? तो अगर इसको हम देखें और चैट बॉक्स में भी मैं देख रहा हूँ, तो आईसीटी को हम मुख्यतः देखते हैं तो यही बोलते हैं कि ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। लेकिन एजुकेशन के मामले में यूनेस्को जो है वो सिर्फ इसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रूप में नहीं देखती, वो कहती है कि आईसीटी रिफर्स टू डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज्ड टू क्रिएट, स्टोर, ट्रांसमिट, शेयर और एक्सचेंज डिजिटल इंफॉर्मेशन। ये यूनिसेफ का कहना है, यूनेस्को का सॉरी, कि आईसीटी जो है वो सेट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स है या रिसोर्सेज है जिसके जरिए से कोई इंफॉर्मेशन को क्रिएट किया जा सकता है, उसको स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है, उसका फैलाव किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है और उसको एक्सचेंज इन डिजिटल इंफॉर्मेशन। ये हमारा यूनेस्को इसको इस तरह से डिफाइन करता है। और इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर एक स्मार्टफोन के जरिए से अगर हम एक फिल्म पिक्चर खींचते हैं किसी जगह का, तो वो एक इंफॉर्मेशन के रूप में तो है, लेकिन हमारे स्मार्टफोन में हमने इसको क्रिएट कर लिया, उसको स्टोर कर लिया, अब जब तक उसको ट्रांसमिट या शेयर नहीं करते हैं या उसको मॉडिफाई नहीं करते हैं तो हम इसका मतलब आईसीटी का प्रयोग पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। तो अगर डिजिटल इंफॉर्मेशन को क्रिएट यानी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्शन करते हैं वो एक चित्र के माध्यम से भी हो सकता है, वीडियो के माध्यम से हो सकता है, ऑडियो के माध्यम से भी हो सकता है, तो ये जो क्रिएट अगर डिजिटल इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं यानी फिर से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को भेजा उसने फिर दोबारा भेजा आप उसको रिट्राइव कर ले रहे हैं, मैनिपुलेट अगर उस इंफॉर्मेशन को उसमें ऐड कर रहे हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना पा रहे हैं, उसमें कटिंग पेस्टिंग कर पा रहे हैं, मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, उसको सेंड कर पा रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को और उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पा रहे हैं, तो ये आईसीटी के पूरे को समझने के लिए हम इसको पूरी जरूरत है कि ये सारी चीजें उसके साथ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो आईसीटी रिफर्स टू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और ए प्रोसेस और ए सिस्टम दैट कैन क्रिएट, स्टोर, रिट्राइव, मैनिपुलेट, सेंड, रिसीव। आईसीटी को और अच्छी तरह समझने के लिए अगर हम देखें तो पेडागॉजिकल नॉलेज, अब उसमें मुख्य रूप से आईसीटी में जो तीन चीजें हैं वो है पेडागॉजिकल नॉलेज और कंटेंट नॉलेज। अगर इसकी अच्छी समझ है तो जो मेथड है हमारा पेडागॉजिकल और जो कंटेंट है उसका अच्छी से मर्ज नहीं।
तो हम इस पर आईसीटी पर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जी सर भी हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं अभी। इसे जो है ली सुलमैन ने 1986 में इसको बताने की कोशिश किया कि जो पीसीके है, पेडोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज, तो ये आईसीटी के रूप में काफी कारगर होता है। दूसरा जो है वो आईसीटी इंटीग्रेशन विथ कंटेंट एंड पेडागॉजी डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ टीचर्स। आगे जो है डॉक्टर मैथ्यू जे कोहलर ने 2006 में इसको बताया कि पेडोलॉजिकल नॉलेज और कंटेंट नॉलेज इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कॉम्पिटेंसीज ऑफ टीचर। तो टेक्नोलॉजी नॉलेज ऑफ टीचर्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईसीटी डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज थ्रू आईसीटी। इसे टपाक का नाम दिया गया, जो बहुत जरूरी है कि हम मेथड तो जानते हैं, टीचिंग मेथड्स भी जान रहे हैं, हमारे पास कंटेंट भी है, लेकिन हम आईसीटी का प्रयोग करते समय अगर टेक्नोलॉजिकल इक्विप नहीं होंगे तो बहुत सही तरीके से हम नॉलेज को बच्चों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर कुछ आईसीटी के जो पैरामीटर्स हैं जो हमें आईसीटी का प्रयोग करते समय, कक्षा में प्रयोग करते समय या आईसीटी हम प्रयोग कर रहे हैं जब बोलते हैं, तो ये चार चीजों को देखने की बहुत जरूरत है। नेचर ऑफ कंटेंट क्या है, कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, पेडागॉजी एंड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स फैसिलिटीज। तो अब इसको नेचर ऑफ कॉन्टेंट की जब हम बात करें तो क्या किस किस तरीके से हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इंटरेक्टिव मेथड्स हो सकते हैं, एनिमेशंस हो सकते हैं, एज सिमुलेशंस हो सकते हैं। तो इसमें से हम कुछ वीडियो के बारे में, कुछ सिमुलेशंस के बारे में, कुछ इंटरेक्शंस के बारे में हम कल के दिन में इस पर और चर्चा करेंगे हम लोग कि किस तरह से हम लोग इस कॉन्टेंट को हम यूज कर सकते हैं। तो कुछ वीडियोज के ऐप्स के बारे में हम सीखेंगे, कुछ इंटरेक्टिव मेथड्स के बारे में सीखेंगे, कुछ सिमुलेशंस के बारे में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। जब हम कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम आईसीटी का प्रयोग कर कहाँ रहे हैं। तो वो डेमोग्राफिक्स बहुत महत्वपूर्ण होता है कि क्या कौन सा एरिया है, वहाँ नेटवर्क इंटरनेट की फैसिलिटीज है कि नहीं है, नेटवर्क वहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरह के हमारे बच्चे हैं, किस तरह का हमारा समाज है, समुदाय है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कॉग्निटिव लेवल बच्चों की, उनका पूर्व ज्ञान कैसा है कि हम आईसीटी ऐसा तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि बच्चे का पूर्व ज्ञान से संबंध में, उससे संबंध में कुछ जानकारी नहीं है और हम उसकी तरफ ले जा रहे हैं। फिजियोलॉजिकल एंड अफेक्टिव एंड सोशल रिसोर्सेज के बारे में हमें जानकारी अच्छी तरह से होना चाहिए। पेडागॉजी की बात करें तो इसको भी हम लोग तीन तरीके से देख सकते हैं। कुछ ऑनलाइन मेथड्स होते हैं जिसमें हमको इंटरनेट की बहुत जरूरत होती है, ऑफलाइन होता है जहां पर हम इंटरनेट की तो जरूरत होती है लेकिन हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ ब्लेंडेड फॉर्म होते हैं जहां पर हमको दोनों की जरूरत होती है। और टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स फैसिलिटीज कि हमारे पास किस तरह की टेक्नोलॉजी है, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास मोबाइल है, पेन ड्राइव्स हैं, जो भी हम और टेक्नोलॉजीज की बात, स्मार्टफोन्स हैं, तो उसके जानकारी है कि नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये मैंने थोड़ी सी अपनी बातचीत आप लोग के सामने रखी कि आईसीटी क्या है और किस तरह से है। अभी इनको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कहाँ पर यूज करते हैं, यूज एंड इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग एंड लर्निंग, और टू डेवलप जो है लर्निंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स इन स्टूडेंट थ्रू आईसीटी टूल्स, दिस विल बी डेल्ट बाय मिस्टर संजीव शर्मा एसआरजी अलीगढ़। तो मुझे उम्मीद है कि शायद संजीव जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। मैं संजीव जी का परिचय दे दूं कि संजीव जी एक बहुत ही इस समय ख्याति प्राप्त प्रदेश के प्रशिक्षक के रूप में उभर कर आए हैं, और ये आप जो राज्य संसाधन ग्रुप बना हुआ है एसआरजी, जिसे स्टेट रिसोर्स ग्रुप जो बना हुआ है,
वो अलीगढ़ में आप कार्यरत हैं और बहुत ही अच्छी हर विषय की जो बच्चों से संबंधित, टीचिंग एंड लर्निंग से संबंधित, हम शिक्षकों के संबंधित बहुत सारी प्रशिक्षकों प्रशिक्षण में आप जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में जो संवर्धन मॉड्यूल हम लोग के बीच में आया हुआ है हम शिक्षकों के लिए, उसके लेखक मंडल में भी आप जुड़े हुए थे। तो मैं अपने आज के मुख्य एक्सपर्ट प्रवक्ता श्री संजीव शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे कंटिन्यू करें। सर संजीव शर्मा जी, सर प्रेजेंटेशन ऑफ कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वरेश जी। क्या मेरी आवाज मिल पा रही है सभी को? जी सर, आ रही सर। मेरी आवाज मिल पा रही है सभी को? हेलो। हाँ सर, सुन रहे हैं सर। नमस्कार सर जी। सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं संजीव शर्मा अलीगढ़ से, और महाराजगंज जनपद में जितने भी मेरे साथी हैं आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देखने के लिए, ये देखते हुए कि आप लोग जिस तरह से ये वेबिनार कर रहे हैं और जिन टॉपिक्स को लेकर आप बात कर रहे हैं, आज की बहुत बड़ी जरूरत है। मानते हैं कि पहली बार इस तरह की चीजें सामने आई हैं, जैसी भी ये समस्याएं हमारे सामने आई हैं और जो आज हमारा देश महसूस कर रहा है, देश ही नहीं पूरी दुनिया में जिस तरह का चल रहा है, तो ऐसे में ICT का यूज बहुत जबरदस्त तरीके से उभर के आया है। और हम जब इसकी बात करते हैं, ICT की बात करते हैं, तो एक सामान्य शिक्षक के लिए मैं बात करना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, बहुत ज्यादा इन फोन लैपटॉप प्रोजेक्टर्स इन सब की बात बहुत ज्यादा नहीं करता है। तो आप ये सोचिए कि उसके लिए एकदम बहुत नई सी चीज हो गई है कि हम क्या करें और कैसे करें। बहुत सिंपल सी चीज है मित्रों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हम इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हम इस ICT की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक सामान्य शिक्षक के दिमाग में जो बातें आती हैं वो आइदर तो WhatsApp को लेके बात आती है, लैपटॉप को लेके बात आती है। लेकिन हमको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत अच्छे से हमको ये समझना है कि हम किस तरह से इनका डिफरेंट पैटर्न्स पे यूज कर सकते हैं। बिकॉज वी आर बेसिकली टीचर्स एंड वी आर वर्किंग विद स्टूडेंट्स, तो ये हमें समझना जरूरी है कि जिस पर हम काम कर रहे हैं वो न सिर्फ हम ही समझें बल्कि हमारे स्टूडेंट्स भी उस पर काम कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपके साथ अभी शेयर किया जाता होगा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के बारे में। हमारे महाराजगंज के जो तीनों ही हमारे SRG टीम के साथी हैं, मेरे साथी हैं, मैं उनको भी उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका आभारी हूं कि उन्होंने अपने जनपद में जोड़ने के लिए बात की, चाहे हमारे लवकुश वर्मा जी हों, सत्य प्रकाश जी हों या पटेल साहब हों। तो मैं आप सभी का भी अभिनंदन करता हूँ। हमारी ये तीनों साथी आपको 21 सितंबर से पर वीक कुछ चीजें भेज रहे हैं जिन्हें हम मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के नाम से जानते हैं। ई पाठशाला 2.0 की बात हम कर रहे हैं और उसमें आपको मिलता क्या है, कुछ टेक्स्ट है और कुछ लिंक मिलते हैं और आप उनका यूज कैसे कर आवाज नहीं आ रही है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। संजीव सर आपकी आवाज कट रही है, शायद लेफ्ट हो रहे हैं, हो गए हैं सर, शायद लग रहा है नहीं है सर, आ रहा है।
संजीव सर अनम्यूट खोल लीजिए, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया हूँ आपको। जी जी थैंक यू। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे इस बारे में कि हम कुछ टेक्स्ट देखते हैं, कुछ हमारे पास लिंक होते हैं, और जब उन लिंक हम ओपन कर रहे होते हैं तो कई बार वो लिंक या तो दीक्षा पे जाके खुलेगा या आपको यूट्यूब वीडियो देखेगा। अब ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें आईसीटी की कैटेगरी में आती हैं। आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, कुछ इमेजेस की बात कर रहे हैं, कुछ पीडीएफ फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, या फिर कुछ पीपीटीज की बात कर रहे हैं। जैसे अभी आप लोग एक पीपीटी देख रहे थे, क्या है ये सब इंटरैक्टिव चीजें हैं, ये सब ऐसी चीजें जिनके जरिए हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। मित्रों मेरा प्रयास ये रहता है कि हम जब अपनी बात कर रहे हों तो हम उन टीचर्स से बात करें, उन स्टूडेंट्स के लेवल पर जाके बात करें। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है, संजीव सर शायद फिर लेफ्ट हो गए। बड़े जी संजीव जी किसी कारणवश नेटवर्क ना होने के कारण रिमूव हो गए हैं, तो सुजीत सर अगर हो तो बोल दीजिए। सुजीत सर आप कुछ बोल पर मुझे लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम से हमारे साथी जो हैं वो इस समय रिमूव हो गए हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। क्योंकि आज का जो वेबिनार कार्यक्रम है आज पहला दिन है और आज आईसीटी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आईसीटी जो है हमारे बेसिक शिक्षा परिषद या अन्य जो भी हमारे बोर्ड हैं उसमें जो शिक्षक हैं उनके लिए आईसीटी कितना महत्वपूर्ण है। आईसीटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात किया जाना है। हम तीन दिन में हमारे बहुत सारे प्रवक्ता जो आपके साथ जुड़ेंगे, डायट के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, वो भी अपनी बातों पर रखेंगे। इसी क्रम में अभी हमारे साजी तो मुझे लगता है कि किसी कारणवश नेटवर्क ना होने के कारण रिमूव हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा अपनी बातों पर रखूँ जो हम लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं पीपीटी एक शेयर कर देता हूँ और ई कंटेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और तब तक साजी जैसे हमारे जुड़ेंगे फिर हम उनसे बात कोशिश करेंगे हम उनसे बात करें। जी क्या आप स्क्रीन दिखाई दे रहा है, एक बार क्लियर करते हैं। जी सर तो मैं अपने बातों को थोड़ा सा रख दूँ, तब तक नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो रही है इससे जो आ रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे, तब तक मैं अपने बातों को रख देता हूँ। ई कंटेंट के बारे में, ई कंटेंट हमारे लिए क्या है, डिजिटल मीडिया क्या है या डिस्टेंस एजुकेशन है, हमारी ट्रेनिंगें जो हो रही हैं ऑनलाइन मोड में जो किस प्रकार से हो रही हैं इस पर बातें करते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि डिजिटल मीडिया क्या है, इस पर बातें करते हैं। डिजिटल मीडिया से हम क्या समझते हैं और जो हमारे वेबिनार हो रहा है हम डिजिटल मीडिया पे ही बात कर रहे हैं, तो डिजिटल मीडिया पे थोड़ा सा देख लेते हैं डिजिटल मीडिया आखिर है क्या। तो डिजिटल मीडिया के बारे में अगर बात करें, डिजिटल मीडिया को समझने से पहले हम तो जरूरी है कि हम पहले मीडिया को समझें कि मीडिया क्या है। मीडिया अगर समझ जाते हैं डिजिटल मीडिया आसानी से समझ में आ जाता है। तो मीडिया को अगर देखते हैं तो मीडिया का अर्थ एक प्रकार का साधन है जो दूरसंचार के किन्हीं साधनों या मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। दूरसंचार, अगर दूरसंचार में हम जो मीडियम यूज करते हैं उसे दूरसंचार मीडिया कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम इंटरनेट के बारे में जो जानकारी लेते हैं या कोई सर्च कोई कंटेंट सर्च करते हैं या वेबसाइट को खोजनी पड़ती है, तो इस प्रकार से जो साधन होते हैं साधन और जो मीडियम होते हैं दोनों मिल करके जो मीडिया बनाते हैं वो डिजिटल मीडिया बन जाते हैं। तो ये तो बात मीडिया की रह गई। अभी हमको मेन बात करनी है यहाँ पे कि हमारे लिए डिजिटल मीडिया किस तरह है, जो हम शिक्षक वर्ग है वो डिजिटल मीडिया का प्रयोग वर्तमान टाइम में किस प्रकार से कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा बात करें। तो हमारी हम चूंकि अपने विद्यालयों से जुड़े हुए हैं, स्कूल से जुड़े हुए हैं, और वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम डिजिटल की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के कई ओर से और भी चीजें हैं जो हम लगातार पिछले 6 से 8 महीने कर रहे हैं। उसी में एक बात आती है ऑनलाइन स्कूल, यानी कि स्मार्ट स्कूल भी हम कह सकते हैं, स्मार्ट क्लासेज हैं, स्मार्ट स्कूल हैं। तो ऑनलाइन स्कूल के बारे में इसमें हमसे क्या संबंधित है इसको देखते हैं।
डिजिटल मीडिया का उपयोग हम अपने जो है क्लासरूम है उसमें किस प्रकार से कर सकते हैं। हम डिजिटल इस पर करते भी हैं, बहुत सारे हमारे शिक्षक जो है, शिक्षक बंधु जो है हमारे जनपद में है, अन्य जनपदों में है, जो इसका प्रयोग बखूबी कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिजिटल मीडिया के साधनों को मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसका प्रयोग कर हम अपने क्लास टीचिंग जो होते हैं उसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं, बच्चों के पास जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे से पहुंच सकता है। और वर्तमान टाइम में इसे बहुत सारे उदाहरण हम अगले 3 दिनों में देंगे। इसमें पहले सबसे पहले तो है ई बुक, बच्चे अभी आ नहीं रहे हैं तो हम ई बुक के माध्यम से बच्चों को बहुत सारी जानकारियां दे सकते हैं, जिसमें ई बुक का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक या डिजिटल रूप में पुस्तक, जो हम इंटरनेट से भी अभी ई बुक कहाँ से प्राप्त होगा, आप इंटरनेट से ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं, इंटरनेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं, उस पर बहुत सारी किताबें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मिशन प्रेरणा के तहत अभी राज्य से जो है बहुत सारे कंटेंट जो है भेजे जा रहे हैं, वो ई बुक के माध्यम में ही पीडीएफ फॉर्म में है, पीपीटी के फॉर्म में है, और इस पर बहुत सारी ट्रेनिंगें भी हुई है। अभी ई बुक उसी तरह का है जो बिना कॉपी और पेन का जो पढ़ाई होती है, हम इस बुक के माध्यम से हम इसको कह सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, और ये पहुंच जो है फ्री है और सभी के पास आसानी से पहुंच सकती है। इसी क्रम में अगर आगे देखते हैं तो आता है ई बुक रीडर। चूंकि ई बुक है तो ई बुक को पढ़ने के लिए आपको ई बुक रीडर की जरूरत पड़ेगी। ई बुक रीडर यानी पीडीएफ है तो पीडीएफ रीडर की जरूरत है, पीपीटी है तो पीपीटी की जरूरत पड़ सकती है। इसकी जरूरत पड़ती है जो आसानी से हमको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाते हैं, जिसकी सहायता से ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट को हम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कच्चा कच्च में जो डिजिटल उपकरण है उसके बारे में और बात किया, जैसे ई बुक रीडर उपकरण जो अभी ई बुक के बारे में बात की है, ये तो इसको हो गया है। इसमें अभी कुछ खास तौर पर कुछ ऐसे भी वेबसाइटें हैं जहाँ पे ये फ्री में उपलब्ध है, जैसे amazon.com है, किंडल है, एप्पल इंक है, आईपैड है, इन सब चीजों में ई बुक को आराम से डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है। आता है ई पुस्तक बनाना। ई पुस्तक बनाने के यहाँ दो तरीकों की बात की गई है। पहला तरीका है कि कंप्यूटर पर टाइप करके सामग्रियों को विभिन्न सॉफ्टवेयरों के माध्यम से ई पुस्तक में बदला जा सकता है। दूसरा जो है वो छपी हुई सामग्रियों की स्कैन के द्वारा डिजिटल रूप में परिवर्तित करके उसे ई पुस्तक के रूप में दिया जा सकता है। मैं आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है गूगल लेंस। गूगल लेंस अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आप किसी भी किताब को जब उससे स्कैन करते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी में तैयार हो जाती है। आप उसको चाहें तो सॉफ्ट कॉपी में कहीं भी उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये गूगल लेंस भी हमारे प्रकार से ई पुस्तक बनाने का एक बहुत अच्छा उपकरण है। चूंकि अब वर्तमान टाइम में सबसे जो लोकप्रिय संसाधन है वो है पीडीएफ। हम इस समय वर्तमान टाइम में देखेंगे तो बहुत सारे जो चीजें आती हैं वो पीडीएफ के रूप में ही हमें प्राप्त होती हैं। ईबुक के बारे ईबुक को और आगे बढ़ाते हैं तो डिजिटल लाइब्रेरी है। डिजिटल लाइब्रेरी से भी हम बहुत सारे किताबें जो होती हैं उसको पढ़ सकते हैं, जो ऑफलाइन मोड में ऑनलाइन मोड में दोनों तरह से उपलब्ध हैं, जिसको पढ़ सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी वेबसाइटें हैं। और बेसिक की बात किया जाए तो बेसिक में जो है SCERT की तरफ से सारी बुकें जो है 1 से लेकर 8 तक की सारी बुकें हैं उनको डिजिटल रूप में उपलब्ध करा दिया गया है। आप उसे पीडीएफ फॉर्म में दे सकते हैं। आपके जो किताबें हैं बेसिक परिसर में जो भी किताबें आई हुई हैं उसमें QR कोड की व्यवस्था की गई है, जिसे आप जो है स्कैन करके और उस चैप्टर के बारे में जान सकते हैं। बहुत ही जल्द बहुत सारे ऐसे ऑडियो और वीडियोज भी SCERT की तरफ से लागू जारी होने वाले हैं, जिसकी सहायता से जो है आप सीधे उस कंटेंट को डिजिटल रूप में देख सकते हैं, कह सकते हैं ऑडियो वीडियो दोनों माध्यम से उसको देख सकते हैं। दीक्षा ऐप की बात किया जाए, जो भी वर्तमान टाइम में बहुत ही हमारे ICT के रूप में दीक्षा ऐप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। दीक्षा ऐप इस समय जो भी चीजें हो रही हैं सब दीक्षा ऐप के माध्यम से ही हो रहा है। तो दीक्षा ऐप भी हमारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और डिजिटल सामग्री हो गया। दीक्षा ऐप आज जो भी चीजें हो रही है दीक्षा ऐप से, दीक्षा ऐप जो कहाँ ये अगर जुड़ा हुआ है तो दीक्षा ऐप के बारे में देख सकते हैं। मानव संपदा से अभी जो आपकी मानव संपदा ID है उसको दीक्षा ऐप के साथ लिंक कर दिया गया है, जिसपे जो भी आप प्रशिक्षण करेंगे उससे फायदा ये है कि आपके मानव संपदा से दीक्षा ऐप पर जुड़ना ये है कि आप दीक्षा ऐप पर जो भी प्रशिक्षण करेंगे वो सीधे आपके ID से जुड़ा होगा, आपके रिकॉर्ड में वो होता जाएगा कि आपने कुल कितना प्रशिक्षण लिया है। एक क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपने पूरे वर्ष में या पूरे सर्विस काल में कितने प्रशिक्षण को लिए हैं, इससे ऑनलाइन रूप में भी इसको ये पता हो सकता है। और दूसरी बात किया जाए निष्ठा की, निष्ठा जो देखते हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, इसका पूरा नाम है। बहुत सारे लोग जो है पूरा नाम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि निष्ठा प्रशिक्षण जो है वित्तीय वर्ष 2019
19-20 और 20-21 में भी चल रहा है। 19-20 में चूंकि कोविड की वजह से 18 मार्च के बाद बंद करना पड़ गया था ट्रेनिंग, बहुत सारे शिक्षक बंधु थे जो निष्ठा को पूरा नहीं कर पाए थे, तो उनको डिजिटली रूप में एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है और जिसके माध्यम से जो भी टीचर हैं उनको अभी प्रशिक्षित किया जा रहा है और उसके लिए समय सारणी भी जारी कर दी गई है। विभिन्न प्रकार के जो लिंक हैं वो भी आपको भेजे जा रहे हैं, आप दीक्षा पे जाइए, दीक्षा पे जाने के बाद और लिंक पे आप क्लिक करने के बाद सीधे इस प्रशिक्षण से जुड़ सकते हैं। और जो इस प्रशिक्षण को लेने के लिए आपको पहले भी बहुत सारी गाइडलाइन जारी किए गए हैं जिसमें बताया गया कि जो शिक्षक पहले भी दे चुके हैं वो चाहें तो वो ऑनलाइन मोड में भी इस प्रशिक्षण को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो दीक्षा भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक बहुत अच्छा सामग्री है जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कर सकते हैं। दीक्षा ऐप पर और दीक्षा ऐप के तरह मिशन, इसके बाद आता है मिशन प्रेरणा। मिशन प्रेरणा जो है वर्तमान टाइम में अगर कह लें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक भाग है डिजिटल मीडिया का या डिजिटल प्लेटफॉर्म का। इसमें जो है आपको विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल्स दिए गए हैं जो आपके पास पहुंच गया होगा। 3 मॉड्यूल्स की बात की गई है, पहला ध्यान आकर्षण है, दूसरा जो है आधारशिला है और तीसरा जो है शिक्षण संग्रह है। इन तीनों मॉड्यूल पे जो भी टेक्निक्स दी गई हैं, विधियाँ दी गई हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, रुचिकर विधियाँ दी गई, रिमीडियल टीचिंग की बात की गई है, शिक्षण की बात की गई है, इन सारे पूरे प्रदेश में जो है ये मॉड्यूल पहुंच चुके हैं। आप लोग इसका अध्ययन भी करते होंगे और उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जानते हैं। आज वर्तमान टाइम में जो है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक दिन विद्यालय की जाँच हो रही है। इस विद्यालय की जाँच में अगर देखा जाए तो हम बहुत सारे ऐप का भी प्रयोग कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात है मीना मंच प्रतियोगिता। अभी हाल ही में जनपद में, अपने जनपद में या पूरे प्रदेश में ये मीना मंच प्रतियोगिता कराई गई थी, फिर जो है मेरी उड़ान प्रतियोगिता कराई गई है जिसमें से बहुत सारे विद्यालय राज्य स्तर के लिए चयनित भी हुए हैं। तो ये भी ऑनलाइन, चूंकि कोविड वजह से बच्चे नहीं आ रहे फिर भी ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही देन है कि हम इस सारी प्रतियोगिताओं को बड़े आसानी से कर पा रहे हैं। फिर शैक्षिक जो सपोर्टिव सुपरविजन है, इस पे जो है हमारे ARPs हैं, हमारे डायट मेंटर्स हैं और हमारे जिला शिक्षाधिकारी हैं, डायट प्रचार हैं, हमारे ARPs जो हैं उन विद्यालयों पे जा रहे हैं, शैक्षिक भ्रमण कर रहे हैं और शैक्षिक भ्रमण सपोर्टिव सुपरविजन है। हम वहाँ विद्यालयों पर जाते हैं जो विद्यालय जहाँ बच्चों की स्थिति कमजोर है, उन बच्चों का चयन करके, उन विद्यालयों का चयन करके हम सपोर्टिव सुपरविजन भी देने का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में तो अभी COVID-19 की वजह से ये सारे अभी बच्चे आ नहीं रहे थे, स्कूल बंद है, फिर भी शिक्षक जा रहे हैं। तभी फिलहाल जो मिशन प्रेरणा से जो भी चीजें हैं उन सब चीजों का मॉड्यूल है, आप उनका अध्ययन अच्छे से करें, क्योंकि कोई भी अधिकारी अगर पहुंचता है तो आपसे इन चीजों पर पहले बात करेगा कि प्रेरणा लक्ष्य क्या है। प्रेरणा लक्ष्य सबसे जरूरी है, प्रेरणा लक्ष्य पे ही बात की जा रही है कि प्रेरणा लक्ष्य क्या है, बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य के बारे में कितनी जानकारी होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं आप तैयार रखें, अपने क्लासरूम को अच्छे रखें, कक्षा कक्ष में जो हैं जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी चीजें उपलब्ध हैं, पोस्टर हैं, TLM है, उनको अच्छे से लगाएं। हमने भी अभी 2-4 विद्यालयों का भी भ्रमण किया है, इसके दौरान हमने पाया कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय थे बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे कि अब जाने पर मन खुश हो जाता है। कुछ विद्यालय ऐसे भी मिले कि जाने के बाद अब अलग बात है। आप अपने विद्यालय को ऐसा बनाइए कि कोई भी अगर अधिकारी या कोई भी जाता है वो खुश होकर जाए, उसको कुछ अलग ना लगे कि विद्यालय नहीं सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो अपने बलबूते या कायाकल्प के तहत अपने विद्यालय को बहुत अच्छा बनाए, कम से कम आप जिस ऑफिस में रहते हैं उस ऑफिस को तो सही रखिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों को सही रखना। फिर इसके बारे में बात करते हैं कुछ चीज़ें। अभी COVID-19 की वजह से तो इसमें डिजिटल मीडिया में प्रसार भारती है, प्रसार भारती भी एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से हम सारी सूचनाओं को बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं। बहुत सारी क्लासेस चल रही है माध्यमिक लेवल पर या बेसिक लेवल पर, दोनों जगह है। आकाशवाणी है, आकाशवाणी रेडियो के तरह भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं यहाँ, उसके बारे में बातें की गई हैं। आज की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो रेडियो सबसे ज़्यादा घरों में है, तो रेडियो एक अच्छा उपकरण है जिसके माध्यम से हम कंटेंट को आसानी से डिलीवर कर सकते हैं, बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। इसी क्रम में अगर देखा जाए दूरदर्शन है, दूरदर्शन पे भी बहुत सारी क्लासेस चलाई जा रही हैं बेसिक से लेकर के माध्यमिक तक के बच्चों के लिए, दूरदर्शन के माध्यम से भी ये चीजें चलाई जा रही हैं। DD News है, 3D है, ये भी एक प्रकार का डिजिटल साधन ही है।
तो आज के लिए मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा, काफी लंबा समय हो जाएगा और भी हमारे वक्ता हैं जो बात रखेंगे। मैं फिर अगले दो दिनों में अपनी बातों को मैं कुछ विभिन्न प्रकार के टॉपिकों पे भी रखूंगा। आज के लिए धन्यवाद। सर वरेश सर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? सर वरेश सर जी, सर हाँ सर, कंटिन्यू करिए। धन्यवाद राम जी सर, आपने वर्तमान कोरोना काल में बच्चों के बीच में क्या क्या चीज़ें और किस किस तरह से शिक्षा को प्रचार प्रसार या पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में आपने जानकारी दी। इस यही डिजिटल लिटरेसी के बारे में हम चाहते थे कि शिक्षकों को इसकी पूरी अच्छी तरह से जानकारी हो सके। हमारे मुख्य एक्सपर्ट जो हैं वो किसी कारण से जुड़ नहीं पा रहे हैं, उन्होंने कहा दो मिनट में थोड़ा जुड़ रहे हैं। मैं तब तक साथियों को ये बता दूं कि अभी थोड़ी देर में हम लोग फीडबैक लिंक भेज रहे हैं आपके YouTube चैनल पर भी और Zoom पर भी, कृपया इसे ज़रूर भरें, अपनी प्रतिक्रियाएं इस फीडबैक माध्यम से ज़रूर दें ताकि हमें आपको सर्टिफिकेट देने में आसानी हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो साथी फीडबैक लिंक नहीं भरेंगे हम कतिपय कारणों से उनको हम सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। तो तीनों दिन आपको इस फीडबैक लिंक को भरना है, अभी थोड़ी देर में हम उसको प्रसारित कर रहे हैं, आप जुड़े रहें हमारे बीच में। अभी संजीव सर हाँ सर, मैं मुझे लगता है कि आज जो है पहला दिन था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आई, हमारे जो एक्सपर्ट थे वो जुड़ नहीं पाए और हम कल जो है इन तकनीकियों से को जो कमियां रही हैं उनको कल हम लोग दूर कर लेंगे और कल बेहतर तरीके से नई एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। फीडबैक फॉर्म भेजा जा रहा है और सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है, हमारे यूट्यूब पे जो भी शिक्षक बंधु जुड़े हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप इस तीन दिन के वेबिनार कार्यक्रम में जुड़ें और अच्छी चीज़ों को लेकर के हम लोग आएंगे। हमारे डायरेक्ट प्रवक्ता जो हैं वो भी अच्छे अच्छे कंटेंट को लेकर आएंगे, हम लोग बात करेंगे जो जमीनी स्तर पर जो भी चीज़ें हैं और जो हमारे लिए आवश्यक है, हम विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं वर्तमान टाइम में उन चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का वेबिनार जो है मुझे लगता है कि आज यहाँ समाप्त कर देना चाहिए सर, और जो समस्याएं उनको दूर कर लिया जाए ताकि कल में कोई प्रॉब्लम ना आए। बरेश सर, सर वो फीडबैक फॉर्म भेज रहा सर, सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि आज का वेबिनार जो कार्यक्रम है यही समाप्त किया जाता है और कल जो है पुनः अपने टाइम से 1 बजे जुड़ेंगे और हम इस पर अपनी बातों को रखेंगे। और आप लोगों में भी कोई अगर अपनी बातों को रखना चाहें तो आप आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप जो है पर्टिकुलर आप मेल भी कर सकते हैं और हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो ग्रुप बनाया गया है कि आप इस टॉपिक पे बोलना चाहते हैं, आपको बोलने का पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा जो भी है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। अभी बंद नहीं करिएगा सर, अभी लिंक भेजना सर। ठीक है सर, भेज दीजिए। हाँ और सर वो जुड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं फुल हो जा रहा है बार बार, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा सर, वो 100 हो जा रहा है इसलिए जुड़ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन। हाँ नहीं नहीं, अभी जो है हमारे पास जो है जितने पार्टिसिपेंट के लिए जगह था वो फुल हो चुका था, इसलिए नहीं सर जुड़ पाए होंगे मुझे लगता है। अभी लिंक दे रहा हूँ सर, बस थोड़ा सा उसको। Thank you.